दिन के ऑलमोस्ट 6 बजे हैं, तो मेरा अभी अचानक से प्रोग्राम बन गया लाहौर जाने का। और लाहौर मैं जा रहा हूँ एल्सा का फ्रेंड लेने। तो मज़ीद जो है हमारे व्लॉग को देखिएगा, इंटरेस्टिंग होने वाला आज का व्लॉग। तो आए अभी हम इंशाल्लाह चलते हैं जल्दी जल्दी। मुझे वेरी सॉरी, मुझे ना बहुत सांस चढ़ गया है क्योंकि मैं क्विकली क्विकली सब कुछ कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है मुझे जल्दी भी करते करते रात के तकरीबन बज जाएंगे, मुझे 11:30 लाहौर में पहुँचते पहुँचते। तो क्योंकि वहाँ से फिर आना भी है, मज़ीद 2 से 3 बज जाएंगे, तो मैं जल्दी जल्दी जो है यहाँ से निकलता हूँ। अच्छा जी, अभी हम अपनी गाड़ी में सामान रखना शुरू करते हैं। आज की जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी है। मैं इस वक्त जा रहा हूँ लाहौर और ऑलमोस्ट जो टाइम है वो 6:40 हो चुके हैं मुझे मंडी बहाउद्दीन सिटी में। और मंडी से लाहौर का सफ़र ऑलमोस्ट है 4 से 4.5 घंटे का। अच्छा, आज मैं लेने जा रहा हूँ एल्सा का फ्रेंड, और लॉन्ग कोट होगा, जर्मन शेफर्ड होगा और ब्लैक होगा। और आपको मैं बताता चलूँ कि ये इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड मैं आपको बता दूँ। ये जो पपी मैं लेके जा रहा हूँ इसका बैकग्राउंड क्या है, ये यलमार की बेटी है, बच्ची है यलमार की। यलमार सलमान अजीज़ भाई हैं, वो मैं खैर भी किसी ब्रीडर की तारीफ नहीं करूँगा, जो काम लास्ट टाइम हो चुका है ना मेरे साथ, मैं अभी किसी ब्रीडर की कोई तारीफ नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। जनाब जाऊंगा वहां से बच्चा उठाऊंगा, उठा के तो मैं मतलब आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही आउट क्लास चीज़ है। तो बाकी लॉन्ग कोट ब्लैक पपी की तो मुझे बहुत ही ख्वाहिश थी, और आप लोगों ने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, मेरी ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। क्योंकि आज की जो जर्नी है और आज की जो चीज़ें हैं ये इंटरेस्टिंग इस लिहाज से भी हैं कि आज ये जो पपी मैं लेने जा रहा हूँ ये 3,50,000 रुपये का, लेकिन मैं 1 रुपया भी पे नहीं करके आऊँगा। ठीक है, मैं 1 रुपया भी पे नहीं करके आऊँगा। और ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब चैनल के, जिसको आप जहाँ पे मुझे भी आप देख रहे हैं, इन्होंने मेरा नंबर लिया, मैंने अपना बायो सेक्शन में अपना नंबर दिया हुआ है, वहाँ से इन्होंने मुझसे रब्ता किया। और ये तकरीबन 1 मंथ से इन कॉन्टेक्ट है मेरे साथ ना, राफी भाई हैं, राफी उनका नेम है, लाहौर से हैं। अच्छा, कल इन्होंने मुझे पूछा कि भाईजान आप मुझे ये बताएं कि एल्सा की क्वालिटी पे आप सेटिस्फाई हैं और एल्सा से थोड़ा सा आगे भी कुछ चीज़ रखना चाह रहे हैं कि बस एल्सा ठीक है। मैंने बोला कि मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं लॉन्ग कोट पपी लेके आऊँ, फीमेल पपी, मेल नहीं मैं रखता, फीमेल पपी लेके आऊँ, क्योंकि मेल मार्केट में नए से नए आते हैं, अच्छे से अच्छा आ जाएगा, हर महीने अच्छे अच्छे इंपोर्टेड मेल्स आ जाते हैं, कभी ब्लैक में आ जाता है, कभी ब्लैक एंड टैन में आ जाता है। मेरी वॉइस, मेरी ये वीडियो थोड़ी सी लंबी भी होगी, लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा, बात सुन के भी मज़ा आएगा, चीज़ देख के भी आपको मज़ा आएगा। मुझे कहते हैं कि आप एल्सा से अच्छी चीज़ लेना चाह रहे हैं। मैंने बोला कि मैं लेना तो चाह रहा हूँ, लेकिन हकीकत बताऊँ तो अभी मेरे पास बजट नहीं है। यार क्या बात है उस बंदे की, उस बंदे की अगर मैंने उनसे परमिशन नहीं ली, तो अगर कभी उन्होंने मुझे परमिशन दी तो मैं आप लोगों को उनकी वॉइस सुनाऊंगा कि उन्होंने किस कदर जिद करके, किस कदर मुझे जिद करके, तो उन्होंने बोला है कि भाईजान आप आए और आके मेरी फीमेल पपी लेके जाए। मैंने बोला कि आपकी बड़ी मेहरबानी, नवाजिश कि आपने मुझे ऑफर कर दी, मैंने कबूल कर लिया, ऐसे समझे अब मेरी ही है। जाहिर बात है यार 3.5 लाख कल वो बंदा पे करके आ रहा है सलमान अजीज साहब को, यलमार की डॉटर लेके आ रहा है, और सलमान भाई के पास ही इसका लिटर हुआ था, और सलमान भाई की फीमेल से इसका लिटर हुआ था। मुझे भी इसकी मदर का नेम नहीं पता, सॉरी मैं भी उनसे जाके इसकी मदर की हिस्ट्री भी पूछूंगा। तो बताने वाली बात यह है कि यार इतना लव, इतनी मोहब्बत मुझे दी है राफी भाई ने, मेरे सब्सक्राइबर ने, मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स ने, कि यार एक इंतहा हो गई है। मैं शुक्रिया एक लफ्ज़ बहुत छोटा है इस चीज़ के आगे, मैंने कबूल नहीं किया। आप ऐसा ना सोचिएगा कि उन्होंने ऑफ़र दी और जनाब मैं चल पड़ा, ना, मैं इंशाल्लाह आपको दिखा सकता हूँ कि मैंने हर वॉइस पे उनसे रिक्वेस्ट की कि राफी भाई जजाक अल्लाह, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, मैं आपका शौक ख़राब नहीं कर सकता। मैं अब एल्सा को एक दिन भी, क्या 1 घंटा मैं हवेली में मैंने छोड़ा एक दिन, और नेक्स्ट डे मैं मजबूर होकर इसको वापस लेने आ गया।
कि यार मेरा दिल नहीं लग रहा एल्सा के बगैर ना, तो यार मैं आपके शौक कैसे खराब कर सकता हूँ। तो आप यकीन मानिए उन्होंने इतनी मोहब्बत के साथ और इस कदर अंडरस्टैंडिंग के साथ उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की, बल्कि पुरजोर मुझे जोर उन्होंने डाला कि भाईजान आपने लेनी है, आपने मेरी मोहब्बत को कबूल करना है। तो मैंने बोला कि मैं नहीं कर सकता। लेकिन खैर, इन शॉर्ट किस्सा है मुख्तसर, मेरी फीलिंग अभी मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, मैं कितना खुश हूँ, कितना मैं मतलब वो एक देखिए ना, एक चीज बंदे ख्वाहिश हो, अब मेरी ख्वाहिश थी लॉन्ग कोट ब्लैक एंड टैन, अल्लाह ने पूरी की। अब मेरे दिल के अंदर एक ख्वाहिश थी, मैंने कभी इजहार नहीं किया यकीन माने, लेकिन मेरे दिल के अंदर एक ख्वाहिश थी कि ब्लैक पपी हो लेवल का मजेदार चीज हो। तो अल्लाह ने ये भी मेरे पे कर्म कर दिया है। और इस वीडियो में स्पेशल 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 थैंक्स है राफे भाई का, कि जिन्होंने मुझे इतना बड़ा गिफ्ट दिया है, इतना बड़ा गिफ्ट दिया है कि जिसको मैं अपनी ना तो फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकता हूँ, ना मैं उनका शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। यकीन माने इतनी मैं मतलब जब कन्फर्म हो गया ना कि मैं जा रहा हूँ लेने, उसके बाद जो मेरी फीलिंग थी, मेरा जो मतलब वो गाड़ी कैसे निकाल रहा हूँ कोई समझ नहीं आ रही, बका रहा हूँ तो अच्छा जी, मेरा सफ़र अभी रवाना है लाहौर की तरफ और बहुत ही बेचैनी है, और जल्द से जल्द लाहौर आए और जल्द से जल्द जो मेरा न्यू पेट है वो मेरे पास है। ले जी, सालम टूल प्लाजा पे हम पहुंच चुके हैं। अच्छा जी, अभी हम मोटरवे पे इन हो चुके हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि 2.5 घंटे तक मतलब 11 बजे तक मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम वहाँ पे राफे भाई के पास पहुँच जाएँ। लें जी, अभी हम पहुँचे हैं शायद रावी टूल प्लाजा है ये, बल्कि टूल प्लाजा से निकले हैं, यहाँ पे जो रश इस्तकबाल करता है लाहौर का, अभी हम वहाँ पे पहुँचे हैं। अच्छा जी, अभी हम राफे भाई के पास आए हैं, इनकी नवाजिश है, अभी ये मॉडल टाउन में हम आ चुके हैं। इनके पास एक मेल भी है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत पेडिग्री मेल है, तो वो साथ एक ब्लैक पपी है, अभी बाहर निकाल के भी देखते हैं इंशाल्लाह। माशाल्लाह जबरदस्त, कमाल है यार, कमाल है, कमाल है, बहुत अल्लाह। बहुत जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग। अच्छा, इसने कहा अभी से खड़े किए मैं जी, GSDCP मेल है, इसकी जोरो का ग्रैंड सन है ना, जोरो का ग्रैंड सन है, जोरो की लाइंस माशाल्लाह बहुत स्ट्रांग है, तो साइज वाइज भी बहुत ही जबरदस्त साइज है इसमें। और कन आपने कभी इसकी हाइट को मेजर की है? हाइट को इसको मेजर किया था, इसकी थी 69 70। बहुत बहुत ज्यादा बड़ी हाइट है इसकी, बहुत मैसिव हाइट है। क्या बात है, क्या बात है, कोट की कंडीशन बहुत अच्छी है, शाइनिंग वाला आप चाहते हैं ना, ये देखें ये चीज जो पोजीशन होती है ऐसा ही है। अच्छा, एल्सा को करते रहे, वो इस तरह बनाती नहीं है वो? नहीं, अभी मैं आपको समझाता हूँ सारा बैठ के, क्योंकि अभी वो पपी है। अच्छा, अभी उसने कुछ वो शरारते करती रहती है, अगर मैं ओके वो एज है, अभी 12 मंथ तक उसने शरारते ही करनी है, क्योंकि उसकी उम्र ही वो है, आप में टेंशन नहीं। ओके हो गया, क्योंकि ये जब आया था ना ये इतना था जी,
इसका नेम क्या है रखा है? बिनी, बहुत प्यारा नेम है बिनी। अच्छा जी, बिनी का बॉल है ये बिनी। बिनी, बिनी एल्सा की फ्रेंड। बिनी इसका नेम है। बिनी इतनी शरारती है कि बार बार जो है ना वो बाइट करती है। बहुत ही क्यूट है माशाल्लाह, बहुत ही क्यूट है। अच्छा जी, रफी भाई मुझे वहां पे लेके आए हैं जहां पे इन्होंने अपने डॉग्स का सारा सेटअप रखा हुआ है। आप देख सकते हैं तकरीबन ऑल टाइप ऑफ मल्टी विटामिन, इसके अलावा लीश। यहाँ पे इन्होंने इस बाल्टी में इसकी डॉग फूड वगैरह रखनी होती है और माशाल्लाह सारा इनका सेटअप है। और जो डॉग्स वगैरह इन्होंने रखे हैं, ये ओपन एरिया मतलब रोड के साथ ही इनका ये घर है और ये सामने इन्होंने जो सेटअप अपना बनाया हुआ है, तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने ये सारा कुछ मेंटेन किया हुआ है। अच्छा, ऑलमोस्ट हर तरह की जो है ना इनके पास कॉम्ब है। ये आगे जी हमारी बेनी, क्या क्या नहीं बताया, बिनी 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 सॉरी बिनी, ठीक है ना आपके वाला भी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये आपने ये इसको ना डेली, ये क्या चीज है? ये विस्कास की जेली है। अच्छा, ये जब आपका डॉग भूखा हो और जी खाना ना रहा हो, बीमार हो या खाए ना कुछ, तो आपने क्या करना है कि आपने इसको खोल के ना ऐसे खोलूंगा नहीं, बस ठीक है ठीक है ठीक है, खोलेंगे ऐसे इधर तक सील आ जाए। ये आपने बिल्कुल बड़े डॉग को तो आप दे सकते हैं पूरा एक टाइम पे एक दे सकते ठीक है, लेकिन ये एल्सा जितने पपी को हाफ दे ठीक है एट अ टाइम, और बिनी जितने पपी को बिल्कुल इतना क्वार्टर दे, बिल्कुल इतना, मतलब इससे खाएगी, अगर खा ना रही हो तो खाएगी बिनी। ये आपने तब देना है जब आपका डॉग मतलब कुछ खा ना रहा हो या गर्मी में महसूस कर रहा हो। और ये सिर्फ जैसे हम घर की रोटी मोस्ट सारे ही फजूल थे। बिनी बिनी चलती फिरती चीजों को मुंह मारता है, बहुत गंदी मैंने आदत डलवाई है इसको, मैं केयर नहीं की। ये अच्छा, ये इसकी शाम की कंप्लीट डाइट है। बिनी बिनी बिनी, अच्छा मैं तो एल्सा को फुल बाउल होता है, एल्सा को सुबह भी और शाम को भी। अच्छा जी, रफी भाई मुझे बिनी के साथ साथ ये डॉग फूड, इसके अलावा ये क्या चीज है? ये एवियन की कैप्सूल, एवियन की कैप्सूल। ये एल्सा के लिए है जी, एल्सा, और ये भी एल्सा के लिए है। तो एल्सा के लिए इनका लव है इतना कि ये इसके लिए मल्टीविटामिन्स भेज रहे हैं, बाकी ये डॉग फूड है इसका साथ। तो ये हमारे जी राफे भाई हैं, तो बहुत शुक्रिया राफे भाई आपका, जजाक अल्लाह, आपने इतना ज़बरदस्त गिफ्ट दिया है मुझे, तो बहुत शुक्रिया जी। ठीक है, रखें इसके अंदर। ले जी हमारी बिनी 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 जेट बॉक्स में जा रही है। राफे भाई माशाल्लाह खुद से जो है वो फीड उठा के रख रहे हैं, इनकी बहुत नवाजिश है, बहुत नवाजिश है राफे भाई। ओके जी राफे भाई, अल्लाह हाफिज़। चलें जी, हमारी जो बिनी है वो हमने गाड़ी में रख ली है, अभी हम यहाँ से निकलते हैं। हैं जी, हम एल्सा के पास आ गए हैं, अभी हम अपने छोटे मेहमान को निकालते हैं भाई। जी जी देखते हैं एल्सा के साथ किस तरह का रिएक्शन होता है इसका। एल्सा कम, एल्सा कम, विनी बिनी एल्सा से डर रही है। आज एल्सा भी बेचारी भूखी है।
एल्सा बीनी। मैं अभी जल्दी जल्दी एल्सा वगैरह का खाना तैयार करूं तो ये बीनी को नुकसान ना दे। मैं एल्सा को, चलो एल्सा चलो चलो अब अंदर चलो चलो एल्सा चलो अंदर अंदर चलो आप चलो। बीनी को छोड़ते हैं अभी फिलहाल बाहर ही। बीनी बहुत शरारती बच्ची है। बीनी बीनी मुझे खाना लाने दो, मैं खाना लेके आता हूँ। बीनी जी मुझे जाने ही नहीं दे रही। बीनी बीनी वेट करो ना। बीनी जाओ आप एल्सा के केज में, जाओ आप जाओ। बीनी को मैंने एल्सा के साथ छोड़ा अंदर केज में। ओ बीनी बाहर निकल आए, बीनी ने एक मिनट लगाया बाहर निकलना है। चलें खैर मैं एक दफ़ा खाना ले आऊँ। बीनी किधर है? वो आ गई। शरारती बच्ची है पूरी। बीनी एल्सा का खाना लेके आया हूँ। एल्सा को खाना डाला है, एल्सा खाना छोड़ के तो बीनी के पीछे पीछे। एल्सा नो, अच्छा एल्सा का एक मैंने देखा है कि ये ना किसी भी एनिमल को मारती नहीं है, तो खेल ले ज़रूर करती है। अब जारी बात है ये बड़ी है, बिनी छोटी है, तो खेल रही है लेकिन इसको मार नहीं रही। लेकिन खैर आज की रात के लिए करेंगे ये कि एल्सा को हम अभी केज में बंद कर देंगे और बिनी जो है उसको हम ओपन सहन में छोड़ देंगे। एक गदी एल्सा नो, एल्सा नो नो छोड़ दो इसको। एल्सा चलो अंदर अंदर चलो चलो एल्सा। अच्छा जी बिनी और एल्सा एक ही बाउल में खा रही हैं। अभी बिनी ने क्या किया है कि वो इसके अंदर चली गई है, इसके अंदर जाके बैठ के खाना शुरू हो गई है। इसको मैं बाहर निकालता हूँ। बिनी बाहर आओ, आप बाहर आओ। चलो जी, असल में सफ़र की वजह से बिनी को भी भूख लगी है, तो बिनी काफ़ी वीक है अभी ना, तो इंशाल्लाह इसकी हेल्थ को भी बेटर कर लेंगे वक्त के साथ साथ। अच्छा जी आप सबने बताना है कि हमारी बिनी कैसी है, तो बाकी अभी हम डालेंगे रैबिट्स को खाना, तो अभी रैबिट्स का खाना लेके आता हूँ मैं। रैबिट्स का खाना अभी हम डालते हैं, बिनी की भी मुलाकात करवाते हैं रैबिट से। बिनी पीछे हो जो दरवाज़ा ओपन करना। चलेंगे रैबिट्स का खाना तैयार है। रैबिट्स को भूख लगी थी तो अभी शायद इनका जो पानी है वो भी चेंज करने वाला है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे व्लॉग को एंड तक देखने का। एक चीज़ क्लियर कर दूं, मुझे अभी वो राफे भाई से जब मैं मिला था तो उन्होंने मुझे था कि ये यलमार की डॉटर है, लेकिन ये यलमार की ग्रैंड डॉटर है। ये यलमार की ग्रैंड डॉटर है और इसके फादर या मदर की मैंने वीडियो तो नहीं देखी, तो वैसे बता रहे थे कि बहुत अच्छी लेवल की इसकी मदर भी है और फादर भी है बिनी के। तो रैबिट्स का भी कंप्लीट हो गया, तो अभी हम इजाज़त चाहेंगे। रात के तकरीबन 3 बज गए हैं मुझे आज, तो लेट हो गया हूँ काफ़ी। तो इंशाल्लाह एक नए वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़। एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, यलमार की ये डॉटर नहीं ग्रैंड डॉटर है। सलमान भाई ने 4.5 लाख का पपी सेल किया था जिस भाई को, वो पपी इसका फादर है, ठीक है। और इसकी मदर का नेम भी मुझे याद नहीं है, ये पिंक पेडिग्री है। और सलमान अजीज़ भाई से डायरेक्ट राफी भाई ने नहीं लिया, ये जब मैं उनसे मिला हूँ बैठ के गपशप लगाई है तो फिर उन्होंने मतलब क्लियर किया है। अब या तो मुझे सुनने में मिस्टेक लगी थी या उनको बताने में, एक्चुअली हमारी ज़्यादा बात नहीं हुई, बस वो इस चीज़ पे फोकस थे कि भाई जान आप आएँ आके लेके जाएँ, आएँ आके लेके जाएँ। तो एक
एक मैं ये बात कहता हूँ कि अगर मिसाल के तौर पे भाई ने लाख की ली है, 70 की ली, अच्छा चले 50,000 की फॉर एग्जांपल ली है, तो आजकल के दौर में कोई किसी को 50,000 भी कैसे दे सकता है? एक मिसाल दे रहा हूँ, इतने की मिलती नहीं है, एक बात है, कोई भी नहीं देता। तो फिर भी राफ़ी भाई का बहुत शुक्रिया, जज़ाक अल्लाह कि उन्होंने मेरे से इतनी मोहब्बत का इजहार किया है। मुझे उन्होंने सा डॉग फूड दी, साथ उन्होंने मुझे मल्टी विटामिन्स दिए एल्सा के लिए, और इन तमाम चीज़ों का शुक्रिया अदा करना बहुत ही कम है।